अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज फजान एंड यू आर वाचिंग फेथ इन जापान टीवी। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे जापान के शॉपिंग मॉल में आया हूँ और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपके कुछ ब्रांड्स दिखाता हूँ, कुछ सस्ते और कुछ महंगे दिखाता हूँ, और यहाँ का किस तरीके से मतलब मॉल होते हैं, कितने बड़े होते हैं। इंट्रो में तो आप देख ही चुके होंगे कि बाहर से कितना बड़ा है। और अच्छा, मॉल जो है वो काफ़ी बड़ा है और दो फ्लोर है, इसके अंदर कैफेटेरिया भी है और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। अगर मैं सारी दिखाने लगूँ तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगा, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि कुछ खास ब्रांड हुए जो ज़्यादा सस्ते होते हैं उन पर फोकस करता हूँ, और यहाँ के जो मतलब मॉल किस तरह के होते हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो देखते हैं फिर एंड तक। मुझे जो है वो फिर से इस बार हमेशा की तरह कैमरे की रिकॉर्डिंग करते हुए रोक लिया, सिक्योरिटी आ गई। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैंने अभी दिखाया आपको वीडियो चलाने से पहले कि मैं जैसे ही मॉल के अंदर इन्होंने लगा और कैमरा मैंने यूज किया तो क्या सिक्योरिटी हमेशा की तरह आ गई और उसने मुझे रोक दिया कि भाई आप जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, कैमरा स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने उससे पूछा भी गई भाई ये मोबाइल है कैमरा नहीं है ना, उसके बावजूद भी जो है उसने मुझे कहा कि हाँ भाई आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा राहिल मेरे साथ है आज भी जो कि मेरे साथ आपको दिखाएगा मॉल, हम रुकने वाले तो है नहीं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो मैं आपको सबसे पहले बाहर लेके चलता हूँ और वो पिक्चर दिखाता हूँ जो मुझे दिखा के कह रहा था कि आप जो है कैमरा यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, और उसने मुझे मना भी किया, जिसके ऊपर पिक्चर के ऊपर दिख रहा है कि कैमरा स्मोकिंग और कोई भी पैड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने उससे बहस करी, मैंने उसको कहा कि भाई मोबाइल में मसला अलग है, वो तो हमारी पॉकेट में होता है कैमरा, फिर भी एक हाथ में लेके जाओ और उससे रिकॉर्डिंग करो तो समझ आता है ना, मोबाइल से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन मैं भी समझने वाला नहीं हूँ ना, जैसे उसको नहीं आई मुझे भी नहीं आएगी। तो मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और जितना कोशिश करता हूँ ना जैसे हमेशा करता हूँ तो वो करता हूँ। तो एंड तक मेरी वीडियो देखना आगे क्या होने वाला है ना, कुछ होता है या नहीं होता है। तो मैं इस वक्त जो हूँ वो सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ, नीचे भी बाद में जाऊँगा अगर हो सका तो, मगर सोचा कि पहले सेकंड फ्लोर से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का है। अच्छा, ये जैपनीज का जो है फैशन जो है मतलब ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो ये है, यहाँ पे जो दिख रहा है इसको कहते हैं किमोनो। मॉल के अंदर मेरे ख्याल से इनकी शॉप है या नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है वो मॉल के अंदर ही जो है शॉप्स के बाहर इंस्टॉल लगाया हुआ है, जैसे कि नॉर्मली ये पाकिस्तान में भी होते हैं ना ऐसे, और यहीं पे इन्होंने मेरे ख्याल से ट्राई रूम भी बनाया हुआ है और काउंटर बना के यहीं पे सेल कर रहे हैं। ये एक ब्रांड है वंडर 3, जो कि किड्स के लिए है, बैकपैक वगैरह टॉयस वगैरह यहाँ पे हैं इनके रखे हुए ना। अच्छा, ये एक शॉप ये है, इसको तो आपने देख ही लिया होगा, इस पर भी इन्होंने 70% जो है वो ऑफ लगाया हुआ, और इस तरह से सेल लगा के इस तरह का ड्रेसेस जो हैं वो लेडीज़ ड्रेस जो हैं वो सेल कर रहे हैं। अच्छा, इस ड्रेस पे जो प्राइस लिखे हैं ये सिर्फ टॉप के हैं, टॉप यहाँ पे लगा हुआ और इसके ऊपर भी प्राइस लिखे हुए हैं जो बराबर में डमी ने लगाया हुआ है, जिसके प्राइस हैं 1495 येन प्लस टैक्स, 8% का टैक्स। 3 कॉइन्स प्लस शॉप है इसके अंदर, मतलब 3 कॉइन मतलब 300 येन की कोई सी भी एक चीज़ जो है वो आप ले सकते हो ना, 300 येन में जो दिल चाहे ले लो। अब इसके अंदर क्या क्या है वो मैं बाहर से दिखा देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। ये यहाँ पे लेडीज़ सैंडल आ गई हैं और ये 5000 में दो दे रहे हैं ना, 3000 में एक दे रहे हैं और 5000 में दो दे रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे जापान में 4 दिन का ऑफ है, कैलेंडर में जो है वो रेड कैलेंडर है, मतलब 4 दिन का वीकेंड है, सैटरडे संडे मंडे और फ्राइडे भी ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे सेल लगाई हुई है। और ये ऐसा हमेशा होता है जब भी कोई इवेंट आता है तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल लगाएँ और लोग मॉल की तरफ का रुख करें ना, शॉपिंग वगैरह करें, अपना टाइम पास करें। इस मॉल का नाम जो है वो एओन है और इसके अंदर उन्होंने एक अपना कॉर्नर बनाया हुआ है बिल्कुल सेपरेट,
जिसके अंदर ये अपने खुद के बनाए हुए ब्रांड बेचते हैं ना, तो ये एक इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है यहाँ पे, जो बहुत बड़ा एरिया है कि इसको अगर मैं दिखाने जाऊँ तो पता नहीं इसमें कितना टाइम लग जाएगा, तो एक थोड़ा सा पहले बाहर से दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ अंदर से। ये इनका अपना ब्रांड जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ता होगा ना, जो ये अपने ही ब्रांड यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो एवन मॉल का जो एक अपना खुद का ब्रांड है, उसकी किसी में प्रोडक्ट की, मतलब ये एक सूट की आपको प्राइस दिखाता हूँ, जो कि ये लगी हुई है ड्रेस पैंट और शर्ट, और इसके अंदर जो है टी शर्ट है, और इसके प्राइस जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। शर्ट से जो शर्ट है वो 1880 एन की है, और पैंट भी है इतने की, और जो अंदर की जो टी शर्ट है वो 680 की, और टोटल जो है 4440 का पूरा ये आउटफिट है। अच्छा, ये सादा सा बिल्कुल बनियान वी नेक का अंदर पहनो या बाहर पहनो गर्मियों में, इसके प्राइस हैं 1280 एन। अपने एम मॉल के जो ब्रांड के जो अपने ग्लासेस हैं वो मैंने सबसे सस्ते से ढूंढ के निकाले, 382 एन का कोई से भी ले लो ना, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, और भी आगे जो है बहुत सारे लगे हुए हैं, तो एक को मैं चेक करता हूँ, लगा के बताओ आप कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। आ गए टू पीस सूट ना, इसके अंदर शर्ट है और ड्रेस पैंट है, और ये आपका ऊपर का कोट है ना, यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, तो एक इन्होंने फ्रंट पे लगाया हुआ है जिसके प्राइस है 10,800 एन। ब्लू, ब्लैक, ग्रे, कुछ इस तरह के कलर हैं के बिल्कुल बराबर में जो है वो इन्होंने इस तरह का कुछ फैशनेबल लगाया हुआ है थोड़ा सा अच्छा सा, उसके प्राइस जो हैं पूरे इजी टू से पूरे 20,000 ना। और ये बेल्ट आ गई है जिसमें से आपको जो भी लेना है सबके एक ही प्राइस है 2,880 एन। अच्छा, जो अभी तक की जो मैं चीज़ें दिखा रहा था वो एवन के जो अपना ब्रांड है उसके प्रोडक्ट दिखा रहा था और उनके प्राइस दिखा रहा था। इन्होंने एक साइड पे जो है बच्चों के लिए गेम सेंटर भी बनाया है, उसको दिखाता हूँ, और उसके बाद यहाँ इनके कॉर्नर पे फिर बाहर निकलता हूँ। शेर पकड़ लिया उसने, इससे पहले देखा था भाई आपने मच्छी पकड़ने वाला गेम, कांटा डालो मछली पकड़ो, यहाँ पे हथौड़ा मार के चीज को मार डालो, मार दे बच्चे, क्या मारना चाह रहा है वो मार दे। तो ये एवन का जो कॉर्नर था जो इनका अपना खुद का ब्रांड है वो मैंने आपको दिखा दिया, और उसके अंदर से कुछ चीजें दिखा दी, अब यहाँ से बाहर निकलना, उसके साथ ही जो बच्चों के वहाँ पे गेम वगैरह लगे थे समझ से बाहर थे, तो नेक्स्ट टाइम जो होगा वो गेम सेंटर की वीडियो बना के जो जिस तरह के भी गेम होते हैं वो मैं दिखा दूंगा ना। तो ये आ गया कैफेटेरिया, स्टार्ट जो है बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम से की गई है, शुरुआत ही मीठे से कर दिया भाई इन्होंने तो ना, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है खाने। अब आ गया KFC, लास्ट मैकडोनल्ड है, और बीच में कुछ चीज़ें हैं
जैपनीज की। ये जैपनीज का बहुत खास खाना जिसे उदोन कहते हैं, बहुत फेमस है यहाँ के नूडल्स। ये बहुत शौक से खाते हैं रामेन और उदोन। तो ये मैं बैल्कनी में आ गया हूँ, लोग अपने खाने में मसरूफ हैं और रात का टाइम हो गया है। रात का टाइम हो चुका है, बारिश चल रही है, रुक रही है, चल रही है, रुक रही है। तो मैं कैफेटेरिया से जो है बाहर निकल आया हूँ, वहाँ पे मैकडोनल्ड भी था, वो मैंने दिखाया नहीं है। मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम जो है उसकी मखसूस बनाऊँगा। नीचे स्टारबक्स से अभी तक मैं सेकंड फ्लोर पे ही हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं गया अभी तक। और सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी कुछ डांस फंक्शन वगैरह होते हैं संडे को, हो सकता है शायद कल हूँ दिन के टाइम पे ना, तो आवाम जो है ऊपर से नीचे से देख रही होती है और मज़े ले रही होती है। तो मैं अब जो है फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ, ऊपर से नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पे कुछ इन्होंने कुछ नई चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, जिसकी मेरे ख्याल से साइकिल हुई है और वाटर बोर्ड की कोई मशीन है यामाहा कंपनी की, यामाहा के ब्रांड की, तो वो लॉन्च हुई है, इन्होंने नुमाइश के लिए लगाई हुई है यहाँ पे। क्या आप देखें, सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं लगाई हुई मेरे ख्याल से, प्राइस वगैरह कहीं नहीं लगे हुए, सिर्फ इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। उसके साथ ही मेरे ख्याल से होंडा की कोई सी गाड़ी का भी कोई नया ब्रांड, ये होंडा का कोई कार का 660 सीसी का नया मॉडल जो है वो लॉन्च हुआ है, तो इन्होंने वो भी नुमाइश के लिए लगाया हुआ है। टू डोर स्पोर्ट शेप में है और 660 सीसी में है, कुछ स्टार्ट, खूबसूरत गाड़ी है बहुत। तो कुछ इस तरह से फर्स्ट फ्लोर पे जो नुमाइश की चीज़ें थी वो एक अलग हैं और अब ये चल रहा है। किसी शॉप के अंदर मैं ज़्यादा जा नहीं रहा क्योंकि शॉप्स इतनी हैं, तो मैंने सोचा कि जो ख़ास ब्रांड है उनके लिए मैं ख़ास अलग से एक वीडियो बना लूँगा और आपको प्राइस उसके अलावा दिखा दूँगा, क्योंकि यहाँ पे सब पे ही सेल लगी है, अब किसके अंदर जाके किसी चीज़ को दिखाऊँगा। तो मैंने जिस एवन में आया हूँ उसी का अपना एक ब्रांड का जो है वो कुछ चीज़ें फोकस कर ली हैं इस बार। तो ब्रांड है अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स, इसके ऊपर तो उन्होंने हदी कर दी, 70% ऑफ लगा दी है, सेल ही सेल, फुल टाइम सेल। ग्लोबल वर्क 20% ऑफ। टीफेल होम अप्लायंसेस, मेरे ख्याल से फ्राई पैन वगैरह मशीनरी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं इसमें। ये आ गए JTB वाले, JTB वो एक सर्विस है जो जापान से अगर आप ट्रैवल करने चाहते हैं, जापान में होटल और पूरा पैकेज लेना चाहते हैं होटल और टिकट के साथ, तो ये उसके लिए है JTB। AU शॉप, मोबाइल शॉप, AU मोबाइल शॉप, और उसके साथ ही जो है वो इंफॉर्मेशन काउंटर फर्स्ट फ्लोर पे डोर के बिल्कुल सामने है, कि आपको कुछ मालूम करना है तो आप इनसे मालूम कर लें। तो मॉल को मैंने दिखा दिया है और आज जो मैं चाहता था, आज जो मैंने फोकस किया वो यहाँ के मॉल को किया है ना। कुछ लोगों ने मुझे शूज़ रैक्स का कहा था, कुछ लोगों ने मुझे जैकेट्स का कहा था और कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का कहा था, तो उनके लिए मैं एक अलग से ख़ास वीडियो बनाऊँगा, जो कि जापान का सबसे सस्ता ब्रांड हो गया या कुछ और हो गया। तो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ मॉल था। तो उसके अलावा लास्ट में मैं ये कहूँगा कि वीडियो को मैं एंड करने से पहले ये दिखा दूँ कि भाई जैपनीज़ की एक ब्रांड है जो आइसक्रीम का ब्रांड है, मेरे पीछे जो लाइन लगी हुई है और इतने सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो उसी आइसक्रीम का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, रात के 8 बजे भी ना, इतनी गर्मी नहीं हुई और बाहर बारिश हो रही है। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो राहिल कुछ कहना चाह रहा है, पूछता हूँ मैं उससे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। चलो फिर उसने अल्लाह हाफिज़ कह दिया तो मैं भी अल्लाह हाफिज़ कह दूँ। अल्लाह हाफिज़।